फ्रेंड्स, यदि आप भी महेंद्र सिंह धोनी को रिव्यू लेने के मामले में कोहली से बेहतर मानते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो। अगर विश्व क्रिकेट में डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRDS की सबसे अच्छी समझ अगर किसी क्रिकेटर को है तो वह निश्चित रूप से भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ही है। पूरा विश्व क्रिकेट उनके DRDS लेने के डिसीजन को जानता है। धोनी को अधिकतर DRDS लेने में सफलता ही हासिल होती है, इसलिए DRDS का दूसरा नाम धोनी रिव्यू सिस्टम भी रख दिया गया है। वही भारतीय कप्तान विराट कोहली डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRDS लेने के मामले में थोड़ा नौसिखिया नजर आते हैं। वो कई बार अपने उतावलेपन की चक्कर में गलत रिव्यू ले बैठते हैं, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ जाता है। वैसे वनडे और T20 क्रिकेट में विराट कोहली के लिए भले की एक बात यह है कि डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRDS लेने के लिए भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की राय लेते हैं। पहले वनडे में भी दिखा ऐसा ही नजारा। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली को एक गलत डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRDS लेने से महेंद्र सिंह धोनी ने रोका। भारतीय कप्तान अपने उतावलेपन की चक्कर में व विकेट न मिलने की हताशा में एक DRDS लेना चाहते थे, मगर कप्तान कोहली को गलत रिव्यू लेने से धोनी ने रोक दिया था। 17.2 ओवर्स में भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल की एक गेंद पर श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल मेंडिस के पैड पर लगी। इसके चलते सभी भारतीय खिलाड़ियों ने एक जबरदस्त अपील की, मगर अंपायर ने इस अपील को नॉट आउट करार दिया। इसके बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली अपने उतावलेपन की चक्कर में व विकेट न मिलने की हताशा में एक DRDS लेना चाहते थे, मगर धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से मशहूर हो चुके महेंद्र सिंह धोनी ने वक्त रहते हुए कोहली को इस DRDS लेने से रोक दिया। इसके बाद जब रिप्ले में देखा गया तो धोनी का ये फैसला सही निकला।